तो जीवन फेज में मैंने बताया था कि सेल का ग्रोथ होता है तो आंसर थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज द चेंजेस टेक्स प्लेस इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल डी एन एडप्लीकेशन क्रोमोजोम डिप्लिकेशन सेंट्रियोल डिप्लिकेशन या फिर ए एंड सी बोथ तो एस फेज में अगर एनिमल सेल है मेरी वीडियो जाकर देखिएगा उसमें मैंने बताया था कि एस फेज में अगर एनिमल सेल है तो डीएनए का रेप्लीकेशन भी होगा और सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होगा तो इसका आंसर डी होगा ठीक है अगर प्लांट सेल है तो उसमें सेंट्रियल तो होता ही नहीं है सेंट्रियोल का वहाँ पे कोई चक्कर नहीं है तो सिर्फ एनिमल सेल में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है तो ये दोनों आंसर करेक्ट हो जाएंगे ए एंड सी नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है जी वन फेज में होता है जी टू फेज में होता है एस फेज में होता है या फिर ए एंड बी बोथ तो प्रोटीन के सिंथेसिस जी टू फेज में होती है आंसर इज बी नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज द इवेंट ऑकर एट अर्ली प्रोफेज अर्ली प्रोफेज में क्या होता है क्रोमोजोमल कंडेंसेशन इनिशिएटेड बी इज क्रोमोजोम फुल्ली कंडेंस सी सेंट्रियल रीच एट अपोजिट पोल एंड डी सेंट्रियल स्टार्ट डिवाइडिंग तो अर्ली प्रोफेज में क्या होता है कि क्रोमोजोम का जो कंडेंसेशन होता है वो शुरू हो जाता है ड्रियोल जो है डिवाइड कहाँ करता है एस फेज में करता है तो इसका आंसर जो करेक्ट होगा वो ए होगा फिफ्थ क्वेश्चन इज एट द एंड ऑफ प्रोफेज प्रोफेज के एंड में क्या होता है क्रोमोजोमल कंडेंसेशन इनिशिएटेड क्रोमोजोम फुली कंडेंस सेंट्रियोल रीच एट अपोजिट पोल एंड क्लियोरस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व। तो इन चारों में कौन कौन सा ऑप्शन सही है एंड ऑफ प्रोफेज में एक तो क्रोमोजोम फुल्ली कंडेंस हो जाता है और सेंट्रियोल जो है वो अपोजिट पोल की तरफ चला जाता है विच ऑफ़ दबेब स्टेटमेंट्स आर ट्रू एनली बी सी एन डी बी ओनली एंड ए बी एन डी तो इसका आंसर क्या होगा आंसर सही होगा बी सी एन डी नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोफोलॉजी ऑफ द क्रोमोजोम कैन बी स्टडीड इन मिटाफेज प्रोफेज एन अफेज तो मॉर्फोलॉजी क्रोमोजोम की कहाँ पे हम लोग पढ़ सकते हैं मेटाफेज में नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द की फीचर ऑफ मेटाफेज इज क्रोमोजोम एट इक्वेटर द माइक्रो माइक्रोटिब्यूज ऑफ द अपोजिट स्पेंडल्स अटैच टू सेंट्रोमेयर ऑफ द क्रोमोजोम रीच एट अपोजिट पोल ऑफ दिज तो की फीचर मेटाफेज का ये है कि क्रोमोजोम लाई करता है इक्वेटर पर दूसरा भी कहेंगे कि दूसरा आंसर सही है माइक्रोटिब्यूल्स ऑफ द अपोजिट स्पेंडल अटैच टू द सेंट्रोमेयर ऑफ द तो सेंट्रोमेयर से माइक्रोटिब्यूल्स नहीं अटैच होता ये अटैच कहाँ से होता है कानेटो से अटैच होता है समझ आई बात तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देने का होता है छोटी छोटी बातों की वजह से ना आंसर गलत हो जाता है तो हमेशा मैं हमेशा ये कहती हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए इज एम आर बहुत ज़्यादा मैटर करता है कहीं कहीं पे बीच बीच में कहीं कहीं पे कुछ और आ जाता है और इंसान जो है वो लगा के चला आता है चलिए अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं एट विच स्टेज द स्पेंडल फाइबर अटैच टू काइनेटो कोर्स ऑफ द क्रोमोजोम तो किस स्टेज पे काइनेटो कोर्स से अटैच होता है स्पेंडल फाइबर प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज एंडिलोफेज तो ये किस स्टेज पे अटैच होता है मेटाफेज पे मेटाफेज पे क्रोमोजोम क्या करता है लाई हो जाता है इक्विटोरियल प्लेट पर और उसके बाद स्पेंडल फाइबर जो है वो अटैच हो जाता है इससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं द की फीचर ऑफ एनाफेज इज क्रोमोजोम फुली कंड क्रोमोजोम लाई एट इक्वेटर सेंट्रोमेल स्प्लिट्स एंड सेंट्रियोल डिप्लिकेट्स तो इसका आंसर क्या होगा स्प्लिट्स yeah. एनाफेज में सेंट्रोमेल स्प्लिट करता है और क्रोमेटिड जो है वो अपोजिट पोल की तरफ मूव होना शुरू हो जाते हैं तो इसका आंसर होगा सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट द एंड ऑफ टीलोफेज टीलोफेज़ के एंड में क्या होता है ऑप्शन इज न्यूक्लियोलस एंड अदर ऑर्गनल रियाप्यर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रियाप्योर सेल इज रेडी फॉर साइटोकाइनस एंड ऑल ऑफ दिज तो टीलोफेज में क्या होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है रियाप्यर हो जाता है ठीक है सही है बिल्कुल न्यूक्लियोलस एंड अदर ऑर्गेनल रियाप्योर ये भी बिल्कुल सही है सेल इज़ रेडी फॉर साइटोकाइनिसज ये भी बिल्कुल सही है तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिज नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइटोकाइनेसिस ऑफ द एनिमल सेल ट प्लेस ट्रू कैसे होता है सेल वॉल फॉर्मेशन से होता है सेल प्लेट फॉर्मेशन से होता है फ्योरो फॉर्मेशन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड नन तो इसका आंसर होगा सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शेप ऑफ द क्रोमोजोम इज ईजली स्टडीड इन शेप ऑफ द क्रोमोजोम के बारे में मैंने बताया था कि मॉर्फोलॉजी जो है वो मेटाफेज में क्रोमोजोम की स्टडी कर सकते हैं और शेप ऑफ द क्रोमोजोम हम एना में स्टडी करते हैं ठीक है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी तक ये वाली चीज़ नहीं दी एन सी में इसलिए क्वेश्चन मैंने बना दिया है तो ध्यान से देखिएगा कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है ये भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटर फेज ऑफ द सेल डिवीजन टेक्स फाइव परसेंट ऑफ़ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल सेल साइकिल का फाइव परसेंट ड्यूरेशन लेता है नाइन्टी फाइव परसेंट ड्यूरेशन लेता है मैक्सिमम टाइम लेता है प्रिपेयर होने में सेल को डिवाइड होने के लिए तो इसका आंसर क्या होगा एक तो इंटर फेज़ मैंने बताया था कि नाइन्टी फाइव परसेंट ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल लेता है और जो फाइव परसेंट है वो एम फेज लेता है ओके okay? और नाइन्टी फाइव परसेंट लेता है इसका मतलब मैक्सिमम टाइम लेता है सेल को प्रिपेयर कराने के लिए डिवाइड होने के लिए तो इसका आंसर होगा डी बी एंड सी बोथ नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग जयगोटीन बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोजोम ड्यूरिंग पैचटीन ए एंड बी बोथ तो सिनाप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स मैंने जब बताया था म्योस जब बताया अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी सिनाप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है वो कहाँ बनता है तो मैंने बताया था जाइगोट जाइगोट मतलब दो चीज़ों से मिलकर बनता है और सिनाप्सिस दो होमोलोगक्रोमोजोम के बीच में होता है है ना दो चीज़ें पास आती हैं तो जाइगोड बनता है उसी तरह यहाँ पर भी दो होमोलोगस क्रोमोजोम पास पास आ रहे हैं तो सिनाप्सिस होगा और सीनापसिस होने की वजह से सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है तो यहाँ पर जाइगोटीन तो होगा ही साथ साथ दो होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में हो रहा है तो ए एंड बी बोथ इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है मैंने कहा था पैचअप करने के लिए क्रॉस ओवर करना पड़ता है ठीक है और क्रॉस ओवर दो लोगों के बीच में होता है तो किन के किन के बीच में होता है दो सिस्टर क्रोमेट्स के बीच में होता है टू नॉन सिस्टर क्रोमेट्स के बीच में होता है बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में होता है एंड सी एंड बी बोथ तो सबसे पहली बात दो नॉन सिस्टर क्रोमेटेड के बीच में होता है क्रॉसिंग ओवर ठीक है एक क्रोमोजोम अपने होमोलोगस क्रोमोजोम के क्रोमेट से, से हाथ मिलाता है क्रॉस ओवर करता है तो टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो गया और दो होमोलोगस क्रोमोजोम हो गया तो इसका आंसर होगा बी एंड सी बोथ ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिकॉम्बिनेशन इज एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस और इन्जाइम जो यूज़ होता है वो कौन सा यूज होता है ट्रांसफ्रेज रिकॉम्बिनेस डीटेज सी एंड बी बोथ तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का जो फॉर्मेशन होता है वो रिकॉम्बिनेस इन्जाइम से होता है ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन नडल फॉर्मेशन किस दौरान होता है डिरोन डायाकैनेसिस जल्दी बताइए क्रॉसिंग ओवर की वजह से रिकॉम्बिनेशन होता है और क्रॉसिंग ओवर पैचेटीन में होता है तो इसका आंसर होगा पैचेटीन बी ऑप्शन इज करेक्ट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टर्मिनलाइजेशन ऑफ टेक्स प्लेस ड्यूरिंग टर्मिनलाइजेशन तो चियाजमाटा का टर्मिनलाइजेशन कहाँ होता है डाया में होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स शेप स्ट्रक्चर इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग एक्स शेप का स्ट्रक्चर कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है पैचिटीन में क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है उसके बाद क्या होता है डिप्लोटीन आता है डिप्लोटीन में क्या होता है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिजोल्व हो जाता है मैंने बताया था कि सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहाँ डिजोल्व हो जाता है डिप्लोटीन में डिजॉल्व हो जाता है और जब सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिजोल्व हो जाता है तो प्रॉपर क्रॉसिंग दिखती है उसी को हम लोग एक्स शेप का स्ट्रक्चर कहते हैं चियाजमाटा कहते हैं और वो डिप्लोटीन में दिखाई देता है तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया इसका आंसर क्लियर हो गया अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है द होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेटेड ड्यूरिंग होमोलोगस क्रोमोजोम कब सेपरेट हो जाता है मेटाफेज़ वन में प्रोफेज़ वन में एनाफेज़ वन में या एनाफेज फेज टू में तो होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट हो जाता है एनाफेज़ वन में ना द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिप्लॉयड सेल बिकम हैप्लॉयड ड्यूरिंग विच स्टेज डिप्लॉयड सेल किस स्टेज में हैप्लॉयड हो जाता है तो बताइए इसका आंसर क्या होगा मेटा फेज वन होगा एना फेज वन एना फेज टू या टीलो फेज वन बताइए जब होमोलोगस क्रोमोसोम जब सेपरेट हो जाएगा तभी डिप्लॉयड सेल हैप्लॉयड में तब्दील हो जाएगा जब होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होता है और वो कब होता है एना फेज वन में तो एना फेज वन में ही डिप्लोइड सेल हैप्लॉयड में तब्दील हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जरा ध्यान से देखिएगा अच्छा अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच स्टेज डायड ऑफ द सेल फॉर्म तो डायड कब बनता है तो डायाट का फॉर्मेशन कहाँ होता है जल्दी बताइए मेटाफेज़ वन एनाफेज वन टेलोफेज टू या टेलोफेज वन में जब मेोसिस वन का एंड हो जाता है यानी टेलोफेज वन तो डायाट का फॉर्मेशन हो जाता है अगला क्वेश्चन है हाउ मनी न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑकर ड्यूरिंग मेयोसिस तो म्योसिस में मैंने बताया था कि दो न्यूक्लियर और दो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है तो इसका आंसर हो जाएगा सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेज बिटवीन टू म्योसिस इज कॉल्ड दो म्योसिस के बीच का जो फेज होता है उसको क्या बोलते हैं इंटरफेज कहते हैं प्रोफेज टू इंटरकाइनेसिस या मेटाफेस टू तो ऑब्वियसली इंटरकाइनेसिस कहते हैं इंटरफेज तो नहीं कहते हैं इंटरकाइनिस कहते हैं नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरकाइनेसिस इज शॉर्टलेव डी एन एल एप्लीकेशन ऑकर डी एन एल एप्लीकेशन डिज़ नॉट ऑकर इज ए एंड सी बोथ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी ए एंड सी बोथ अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग डिप्लोटीन क्रॉसिंग ओवर होता है डीएनए एप्लीकेशन होता है टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाजमाटा होता है डिजोल्यूशन ऑफ सीनाप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है तो आंसर क्या होगा क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है पैचटिन में होता है डीएनएर एप्लीकेशन एस फेज में होता है टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाजमासिस में होता है तो इसका आंसर होगा डी डिजोल्यूशन ऑफ सीनाप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग मेडाफेज वन क्रॉसिंग ओवर ऑफ बायोलिन क्रोमोजोम अलाइन एट इक्वेटर क्रोमोजोम मूव टू और अपोजिट पोल सेंट्रोमेर स्प्लिट्स तो इसका आंसर क्या होगा मेटाफेज की खास बात यह है कि क्रोमोज़ोम जो होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं इक्वेटर पे तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आपके पास अगला सवाल क्या है अजर्शन रीजन का इस बार तो नीच में आया था तो मैंने सोचा कुछ एजर्शन रीजन भी डालते हैं तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं एजर्शन रीजन का ड्यूरिंग प्रोफेस प्रोफेस के दौरान क्रोमोजोम स्टार्ट कंडेन्सेशन बात तो सही है रीजन देखते हैं क्या है डी एन ए डिप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन जी टू फेज क्या ये सही है नहीं बिल्कुल नहीं डी एन एप्लीकेशन टेक्स प्लेस इन एस फेज तो रीजन इज रॉन्ग और ऑप्शन क्या हो जाएगा थर्ड आप लोग अजर्शन रीजन में बहुत गलतियां करते हैं थोड़ा ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन री रीएपेयर एट द एंड ऑफ डीलो फेज जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रीअपेयर हो जाता है टीलोफेज़ के अंत में बात तो सही है रीज़न देखते हैं क्रोमोज़ोम रिच इज़ अपोजिट पोल एट टीलो फेज़ तो क्रोमोज़ोम जो होते हैं वो अपोजिट पोल की तरफ पहुंच जाते हैं टीलोफेज़ में तो बताइए इसका आंसर क्या होगा ए भी सही है एजर्शन सही है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रियापेयर हो जाते हैं और रीज़न भी सही है क्योंकि क्रोमोज़ोम अपोजिट पोल की तरफ पहुंच जाते हैं तो दोनों सही रीज़न इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ Assertion. तो इसका आंसर हो जाएगा टू सही है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है अजर्शन है क्रोमोजोमल मटीरियल इज फुली कंड एट मेटाफेज द मोफोलॉजी ऑफ द क्रोमोजोम इज ईजली स्टडीड एट मेटाफेज चलिए बताइए क्या होगा अजर्शन कहता है कि जो क्रोमोजोम मटीरियल जो होता है वो कंडेंस हो जाता है फुली मेटाफेज में कंडेंस होता है ठीक है अ रीज़न कहता है मोफोलॉजी ऑफ द क्रोमोजोम इज़ इजली स्टडीड एट मेटाफेज तो रीज़न भी सही है लेकिन क्या रीज़न एजर्शन का रीज़न हो सकता है तो एजर्शन का रीज़न नहीं हो सकता क्योंकि क्रोमोज़ोमल मटेरियल फुल्ली कंडेंस क्यों हो रहा है इसका रीज़न तो नहीं दिया है ना और ये बात सही है कि जो रीज़न है वो सही है लेकिन वो एजर्शन का रीज़न नहीं हो सकता तो इसका आंसर हो जाएगा टू नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजर्शन क्या है एट द एंड ऑफ प्रोफेज बिल्कुल सही बात है रीज़न क्या है क्रोमोसोम कंडेंसेशन स्टार्ट एट अर्ली प्रोफेज तो क्रोमोसोम कंडेंसेशन अर्ली प्रोफेज में शुरू हो जाता है तो क्या रीजन एजर्शन को जस्टिफाई कर रहा है क्रोमोसोम कंडेंसेशन अर्ली प्रोफेज में शुरू हो जाता है तो क्या एंड में न्यूक्लियोलस डिसपियर हो जाएगा इस वजह से ऐसा होता है बिल्कुल नहीं दोनों करेक्ट ऑप्शन है पर रीज़न इज़ नॉट अ करेक्ट फॉर एजर्शन एक्सप्लेनेशन बट रीजन इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एजर्शन तो इसका आंसर हो जाएगा टू अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या है एजर्शन सेंट्रियोल एस फेज ठीक है सेंट्रियोल इज प्रजेंट इन प्लांट तो सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है एस फेज में और सेंट्रियोल जो है वो प्रेजेंट होता है प्लांट में सेंट्रियोल का प्रेजेंट होता है प्लांट में नहीं होता तो रीजन इज़ रॉन्ग तो रीज़न इज़ रॉन्ग तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स अगला क्वेश्चन क्या है डी एन ए डुब्लिकेशन टेक्स प्लेस इन जी टू फेज एजर्शन में कह रहा है कि डी एन ए डुब्लिकेशन जी टू फेज में होता है क्या ये सही है नहीं रीज़न क्या है क्रोमोजोम बिकम डबल्ड इन एस फेज क्रोमोजोम डबल हो जाता है एस फेज में ये भी गलत है तो दोनों गलत है तो आंसर इज फोर अगला क्वेश्चन क्या है एजर्शन है सेंट्रोमेयर स्प्लिट्स एंड प्लेट क्रोमोजोम स्टार्ट मूविंग एट एना फेज रीज़न है द माइक्रो टिब्यूल ऑफ द अपोजिट स्पिंडल अटैच टू कैनाटो कोर ऑफ द क्रोमोजोम तो अजर्शन कह रहा है कि सेंट्र में स्प्लिट हो जाता क्रोमोजोम मूव करना शुरू हो जाता है एनाफेज में तो so, रीज़न कहता है क्योंकि माइक्रो माइक्रोटिब्यूल ऑफ द अपोजिट स्पिंडल अटैच हो जाता है कैनाटक कोर ऑफ द क्रोमोजोम से तो रीज़न जस्टिफाई कर रहा है अजर्शन को इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं एजर्शन है म्योसिस ऑनली अकर इन डिप्लॉयड सेल बट हैविंग सम एक्सेप्शन रीजन है म्योसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन मेल हनी बी तो रीजन जस्टिफाई कर रहा है एजर्शन को बिल्कुल कर रहा है एजर्शन में कह रहा है कि कुछ एक्सेप्शन है और रीजन कह रहा है कुछ एक्सेप्शन ये है मेल हनी बी ठीक है तो आंसर इज फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है म्योसिस वन इज मोर कॉम्प्लेक्स दैन म्योसिस टू म्योसिस वन म्योसिस टू से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है रीज़न है प्रोफेज वन ऑफ म्योसिस वन हैज फाइव सब डिवीजन तो मेोसिस वन मोर कॉम्प्लेक्स म्योसिस टू से क्यों हो जाता है क्योंकि प्रोफेज वन का पाँच डिवीजन पाँच सब डिवीजन होता है तो रीजन जस्टिफाई कर रहा है अजर्शन को तो इसका आंसर भी वन हो जाएगा नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजर्शन कहता है टेट्राड इज़ नॉट क्लियरली विजिबल इन जाइगोटीन जयगोटीन में नेटेट्राड क्लियरली विजिबल नहीं होता है. क्यों नहीं होता है क्योंकि होमोलोगस क्रोमोजोम क्या होते हैं सीनाप्सिस कर जाते हैं सीनाप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं रीज़न क्या है होमोलोगस क्रोमोजोम स्टार्ट पेयरिंग एट जाइगोटीन तो बिल्कुल सही रीज़न जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है एजर्शन को तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं एजर्शन कह रहा है लेप्टोटिन जाइगोटीन इज शॉर्ट लिव्ड एज कम्पेयर टू पैचिटिन रीजन कहता है ड्यूरिंग पैचिटीन टेटराइडज क्लियरली विजिबल सही तो दोनों हैं लेकिन रीजन जो है जस्टिफाई नहीं कर रहा है एजर्शन को तो इसका आंसर हो जाएगा टू अगला क्वेश्चन है क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन बिल्कुल सही बात है क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो है रिकॉम्बिनेशन होता है रीज़न है क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन जयगोटीन तो रीज़न जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है एक तो क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन जाइगोटीन इज़ नॉट करेक्ट ये पैचटीन में होता है तो रीज़न तो गलत हो गया तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन सही है रीजन कहता है रिकॉम्बिनेशन काउज वेरिएशन इन सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से रिकॉम्बिनेशन होता है और रिकॉम्बिनेशन काउज करता है वेरिएशन इन सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म दोनों सही है पर रीजन जो है वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है एजर्शन को तो इसका आंसर हो जाएगा टू तो अब आ गया नीट का क्वेश्चन जो आ चुका है और इस साल का ये क्वेश्चन है मैंने दस साल का क्वेश्चन उठाया है तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू माइटोसिस माइटोसिस के रेफरेंस में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है तो माइटोसिस में ऑल द क्रोमोजोम लाई एट इक्वेटर एट मेटाफेज ठीक है बिल्कुल सही है स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमेयर ऑफ द क्रोमोजोम क्रोमोजोम डी कंडेंस एट टीलोफेज ऑफ सेंट्रोमेयर ऑकर्स एट एनाफेज तो मेरा क्वेश्चन जो था मैंने जो पहले क्वेश्चन कराया था उसका देखिए सेकेंड ऑप्शन में स्पिंडल फाइबर काइनेटो कोर से अटैच होता है सेंट्रोमेयर से अटैच नहीं होता तो इसका आंसर हो जाएगा टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग मेोसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट तो म्योसिस के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है दे आर टू स्टेजेस इन मेोसिस मेोसिस वन एंड मेोसिस टू सही है डी एप्लीकेशन ऑकर्स तो मेोसिस टू में एस फेज तो होता नहीं है ठीक है तो ये आ, ये आंसर गलत हो जाएगा पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम एंड रिकॉम्बिनेशन ऑकर्स इन मेोसिस वन म्योसिस वन में पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम होता है और रिकॉम्बिनेशन होता है बिल्कुल सही बात है फोर हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्मड एट द एंड ऑफ मेोसिस टू ये भी सही है तो ऑप्शन टू इज एंड करेक्ट अगला क्वेश्चन अपेयरेंस ऑफ द रिकॉम्बिनेशन और ड्यूल होमोलोगस क्रोमोजोम ड्यूरिंग तो क्या होता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स पाइव साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स एंड टर्मिनलाइजेशन तो कैरेक्टराइज क्या साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स वो साइट है होमोलोगस क्रोमोजोम का जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है ठीक है अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर ऑकर्स ड्यूरिंग माइटॉस माइटॉटिक सेल डिवीजन स्पिंडल फाइबर अटैच टू कैनिटो कोर ऑफ क्रोमोजोम मूवमेंट ऑफ सेंट्यूल टूवर्ड्स अपोजिट पोल पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम क्वाइलिंग एंड कंडेशन ऑफ क्रोमैटिट्स तो यहाँ पे माइटोटिक सेल डिविजन कह रहा है यानी माइटॉसिस में क्या नहीं होता तो माइटासस में पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम नहीं होता है तो इसका आंसर हो जाएगा थ्री नेवर ऑकर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मेसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर मेटाफेज वन मेटाफेज टू एंड टू टेलोफेज टू तो किस स्टेज में म्योसिस के डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर होता है सेंट्रोमेयर का डिवीज़न एनाफेज टू में होता है मैंने बताया था कि होमोलोगस क्रोमोजम सेपरेट होते हैं एनाफेज़ वन में और सेल जो है वो हैप्लॉयड हो जाता है एनाफेज़ वन में लेकिन सेंट्रोमेयर स्प्लिट होता है एनाफेज टू में नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू देखते हैं क्या क्या है एस फेज के लिए डी एन एड एप्लीकेशन जी टू के लिए क्या होगा जी टू में क्या होगा जल्दी बताइए प्रोटीन की सिंथेसिस होगी जी नॉट में क्या होगा इनएक्टिव फेज है जी वन में क्या होगा इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डी एन तो मैच तो कर लिया अब इसको देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा ए के लिए फोर ठीक है बी के लिए वन बी के लिए वन ओके सी के लिए टू और डी के लिए थ्री कि दो को मैच करा ले फिर अपने आप सारा मैच हो जाता है तो इतना सारा करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे टाइम नहीं होता ना तो जल्दी जल्दी करना होता है अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या है सेंट्योल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज विच स्टेज ऑफ द मेोटिक प्रोफेज शोज टर्मिनलाइजेशन ऑफ चाजमाटा एज इट्स डिस्टिंगटिव फीचर डार्क डाकैनिस मैच दि फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू मेसिस जयगोटीन पैचटीन डिप्लोटीन डायकैनिसाइगोटीन में क्या होता है सीनापसिस होता है ऑप्शंस देख लेते हैं जाइगोटीन में सिनाप्सिस होता है पैचटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है डिप्लोटीन में च्याजमाटा फॉर्मेशन होता है डायकनेसिस में टर्मिनलाइजेशन होता है तो ए के लिए सिनाप्सिस फोर ए का फोर सेकेंड में है पहला ही ऑप्शन मिल गया ए का फोर सेकेंड तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट पैचटीन का देख लेते हैं एक बार बी का थ्री ओके सी का टू ओके एंड डी का वन तो मिल गया हो गया इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम डिवाइडिंग सेल एग्जिट द सेल साइकिल एंड इंटरवेजी इन एक्टिव स्टेज दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन स्टेज दिस प्रोसेस ऑकर्स एट द एंड ऑफ तो ये क्वेश्चन आप देखिए किसके एंड में होता है एक तो एग्जिट करता है ये जीवन को तो एम फेज के एंड में ही हो जाता है ठीक है तो इसका आंसर होगा एम फेज नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल इन जी नॉट फेज ये 2019 का क्वेश्चन है जो सेल होते हैं जी नॉट फेज में वो एग्जिट कर जाते हैं सेल साइकिल को एंटर करते हैं सेल साइकिल में सस्पेंड हो जाते हैं टर्मिनेट द सेल साइकिल एग्जिट कर जाता है सेल साइकिल को द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेज ऑफ सेल साइकिल इज क्या सीक्वेंस होता है जीवन एस जी टू और एम देख लेते हैं किस में है सेकेंड में देखिएगा जीवन एस जी टू और एम इसमें है तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेज ड्यूरिंग द सेपरेशन ऑफ द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोजोम बिगन इज कौन सा स्टेज में सेपरेशन शुरू हो जाता है तो डिप्लोटीन में शुरू हो जाता है डिप्लोटीन में होमोलोगस क्रोमोजोम जो सिनाप्सिस करते हैं ना जो सिनाप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है तो डिप्लोटीन में एक्स शेप का स्ट्रक्चर जो है वो भी अलग होना शुरू हो जाता है और डायक एनेस में जाकर के टर्मिनलाइजेशन हो जाता है तो तो एक्चुअली में होमोलोगस क्रोमोजोम जो पेयर्ड होते हैं वो सनाप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो डिजोल्व हो जाता है वो डिप्लोटीन में ही डिजोल्व हो जाता है इसीलिए यहाँ पे कह रहा है सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोजोम अगला क्वेश्चन क्या है द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोजोम बिगिनस इज सेम सेम क्वेश्चन हो गया है चलो कोई बात नहीं फिर से देख लेते हैं तो किस स्टेज में होता है डिप्लोटीन में याद रखिएगा अगला क्वेश्चन है एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स इज अ प्रोटीन डिग्रेडेशन मैशीनरी फॉर प्रॉपर माइटोसिस ऑफ़ एनिमल सेल कहता है कि एनाफेस प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स एक प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी है जो कि प्रॉपर माइटोसिस कराता है एनिमल सेल का ठीक है अगर आईपीसी डिफेक्टिव हो गया ह्यूमन सेल में तो कौन सा एक्सपेक्टेड होगा कि ये चीज़ हो सकती है तो एनाफेज में होता क्या है एनाफेज में क्या होता है क्रोमोजोम जो होते हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं तो सेग्रीगेट मतलब अलग अलग हो जाते हैं है ना तो जब ऐसा होगा तो क्रोमोजोम विल नॉट सेग्रीगेट तो क्रोमोजोम सेग्रीगेट नहीं करेगा तो आंसर इज थ्री तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच दी फॉलोइंग मैच दी फॉलोइंग में क्या करना है सिनाप्सिस अलाइन होमोलोगस क्रोमोजोम क्रो 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 सिंथेसिस ऑफ आर एन एंड प्रोटीन सिनाप्सिस जो है अलाइन करता है होमोलोगस क्रोमोजोम को कहाँ अलाइन करता है किस फेज़ में तो ये तो जायक्रोटीन में होता है सिंथेसिस ऑफ आर एन एन प्रोटीन जी टू फेज में होता है एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज ये कहाँ पे होता है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन जो है वो कहाँ पे होता है पैचटिन में होता है तो इसका आंसर होगा पैचिटीन लास्ट क्या है सेंट्रोमेयर्स टू नॉट सेपरेट बट क्रोमेटि मूव टूवॉर्ड्स अपोजिट पोल सेंट्रोमेयर सेपरेट नहीं हो रहा है पर क्रोमेटिड जो है वो मूव कर रहा है अपोजिट पोल में ये कहाँ होता है सेंट्रोमेयर स्प्लिट कहाँ कर जाता है एनाफेज टू में लेकिन सेंट्रोमेर स्प्लिट कहाँ नहीं करता है एनाफेज वन में क्योंकि वहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन हो रहा होता है तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है तो वन का भी टू है यानी कि ए का हो गया जाइगोटीन यानी ए का हो गया टू बी का थ्री सी का फाइव तो चलिए ये तीन मिला लेते हैं पहले तो क्या था ए का था टू ठीक है टू कहाँ कहाँ है वन में है टू में है और फोर में है थर्ड तो ऐसे ही निकल गया तो उसको एक्सक्लूड कर दीजिए फिर आता है बी का बी का था आपका थ्री जी टू फेज ठीक है तो थ्री कहाँ कहाँ है सेकेंड में और फोर्थ में ठीक है तो फर्स्ट भी एक्सक्लूड हो गया अब आता है थर्ड थर्ड है एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज रिकॉम्बिनेज कहाँ इस्तेमाल होता है पैचटीन में तो सी का है फाइव तो सी का फाइव किस में है टू में है या फोर में फोर में है तो आंसर फोर इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन टू थाउजेंड फोर्टीन का है अब अभी ख़त्म नहीं हुआ है अभी और है अभी इसलिए घबराना नहीं है क्वेश्चन करने से ड्यूरिंग विच फेजेज ऑफ सेल साइकिल ऑफ डी एन एन एस एल रिमेन्स ऑफ फोर सी लेवल इफ़ द इनिशियल अमाउंट इज डिनोटेड एज टू सी तो किस फेज में ऐसा होता है तो देखिए एस फेज में तो टू सी फोर सी में चेंज हो ही जाता है तो इसका मतलब है कि एस में होता है फोर सी बन जाता है जी टू में रहेगा क्योंकि के बाद जी टू आता है जीवन में तो होना नहीं है जी नॉट में भी नहीं होना है तो जी टू में होगा उसके बाद एम फेज़ की बात करेंगे तो एम फेज़ में प्रोफेज़ में देखिएगा प्रो फेज़ में कंडेंसेशन शुरू ही होता है और फिर जा कर के फेज में जा कर के जो है वो फिर से डीएनए जो है हाफ हो जाता है टू सी में तब्दील हो जाता है तो इसका आंसर क्या होगा एम फेज़ में एम फेज़ मतलब प्रो फेज तक तो रहेगा ही रहेगा फोर सी तो यहाँ पे आ जाता है जी टू एंड एम तो इसका आंसर होगा फोर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डी डबल इन ईच सेल अमाउंट ऑफ डी एन सेम इन ईच सेल क्रोमोजोम नंबर इज इंक्रीज अमाउंट ऑफ डी इज एज रिड्यूज टू हाफ इन ईच सेल तो अमाउंट ऑफ डी डबल हो जाता है एस फेज में द इनजाइम दम्बिनेस इज रिक्वायर्ड विच स्टेज ऑफ मेोसिस तो रिकॉम्बिनेज इन्जाइम किस स्टेज ऑफ मेोसिस पे इस्तेमाल होता है तो मैंने बताया था रिकॉम्बिनेस रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स के फॉर्मेशन में इस्तेमाल होता है तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स क्रॉसिंग ओवर से बनता है और क्रॉसिंग ओवर पैचटिन में होता है ठीक है तो इसका आंसर पैचटीन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड अ पेयर ऑफ सनाब्स होमोलोगस क्रोमोजोम जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है पेयर ऑफ स्नाब्स होमोलोगस क्रोमोजोम वो क्या होता है एक्चुअली में इक्विटोरियल प्लेट होता है कैनेटो कोर होता है बाई वैलेंट होता है या एग्जोनिम होता है तो बाई वैलेंट होता है क्योंकि होमोलोगस क्रोमोजोम जब सिनाप्स हो जाता है स्नेप्सिस हो जाती है तो वो बाई वैलेंट या ट्राट कहलाता है ठीक है 2013 का क्वेश्चन है एक चीज़ मैं बता दूँ कि साइकिल आप छोड़ ही नहीं सकते समझ समझ आए बात क्योंकि सेल साइकिल से मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि पहले से लेकर अब तक में क्वेश्चन आना ही आना है कोई एक साल ऐसा नहीं हुआ जहाँ जब क्वेश्चन नहीं हुआ इनफैक्ट 2022 में बहुत सारे सवाल आए हैं तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं स्टेज इन सेल डिवीजन इज शोन इन द फिगर सेलेक्ट द करेक्ट आंसर टीलोफेज लेट एन आ फेज एंड टीलोफेज अगेन टीलोफेज ओके टीलोफेज न्यूक्लियर एनवेलप गॉल्जी बॉडी रिफॉर्म ठीक है लेट एन फेज क्रोमोजोम मूव अवे फ्राम इक्विटोरियल प्लेट कॉलजी कॉम्प्लेक्स नॉट प्रजेंट ठीक हैल प्लेटफॉर्म माइटोकॉन्डे डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन टू डाउट सेल ठीक है टीलोफेज इंडोप्लाजमिक रेटिकुलम न्यूक्लियल आर नॉट रिफॉर्मड येट तो ये फिगर है आपके पास इसमें कह रहा है कि कौन सा स्टेज ये शो कर रहा है तो बताइए कौन सा स्टेज शो कर रहा है सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि यह टीलोफेज है क्योंकि क्रोमोसोम अपनी आइडेंटिटी खो चुका है और न्यूक्लियर इन्वेलप क्रोमोसोम को इन्वेलप कर चुका है तो अब बताइए सबसे पहले तो ये टीलोफेज है इसको कर लेते हैं साइट टीलोफेज को साइड कर लिया उसके बाद कहता है दो चीज़ें हैं न्यूक्लियर इन्वेलप गॉल्जी बॉडीज़ रिफॉर्म और दूसरा ऐसा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियोलस आर नॉट रिफॉर्म ऐसा बिल्कुल नहीं है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बन गया है और न्यूक्लियोलस भी है तो इसी वजह से इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ओके okay, आगे चलते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है एम्स का क्वेश्चन है 2013 का इन डिप्लॉयड सेल एट विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल द अमाउंट ऑफ डीएनए इज डबल अच्छा मैं एक बात और कह दे रही हूँ मतलब इसमें जितने क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी से बाहर नहीं है अब तक के जितने भी क्वेश्चन हैं ठीक है इसलिए ये मत सोचिएगा कि एम्स के क्वेश्चन है तो एन के बाहर होगा या बहुत हेवी होगा ऐसा कुछ नहीं है बस आपको याद होना जरूरी है ओके okay? तो चलिए क्वेश्चन करते हैं इन डिप्लॉइड सेल एट विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल द अमाउंट ऑफ डी एन ए इज डबल किस स्टेज में डी एन ए डबल हो जाता है ऑब्वियसली इस फेज में होता है फोर आंसर इज करेक्ट एम्स का क्वेश्चन है एजर्शन रीजन का एजर्शन है म्योसिस टू इज सिमिलर टू माइटोसिस और रीजन है म्योसिस वन के नॉट ऑकर इन हैप्लॉइड सेल तो म्योसिस वन हैप्लोइड सेल में तो नहीं होता है सेल में होता है इन माइटॉसिस के सिमिलर होता है म्योसिस टू ओके तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए आर इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा टू नेक्स्ट क्वेश्चन 2012 का है जी हाँ आइडेंटिफाई द म्योटिक स्टेज इन विच होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट वाइल द सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट सेंट्रोमेयर मैंने ये क्वेश्चन तो कराया है तो बताइए होमोलोगस क्रोमोजोम कहाँ पे सेपरेट हो जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा एनाफेज वन नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट अबाउट जी नॉट फेस माइटॉसिस ऑकर आफ्टर जी नॉट फेस बायो कैटलिस्ट कैन भी यूज टू एग्जिट जी नॉट फेज सेल वॉल्यूम कीप ऑन इंक्रीजिंग सेल मेटाबॉलिज्म ऑकर कंटिन्यूसली तो ये कह रहा है कि इन करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है तो बताइए इसका आंसर क्या होगा इन करेक्ट अबाउट जी नॉट फेज तो जी नॉट फेज में क्या हो जाता है इनएक्टिवेशन तो हो बताया था अपनी पिछली वीडियो में अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए उसमें क्लियरली हर चीज़ बताई गई है और सब कुछ याद करने का तरीका भी है तो प्लीज़ उसको जाके देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले माइटोसिस ऑकर आफ्टर जीनाट फेज़ तो जीनाट फेज़ एक इनएक्टिव स्टेज है जो एग्ज़िट कर जाता है जीवन फेज़ को तो यहाँ पे जाहिर सी बात है माइटोसिस नहीं हो क्योंकि यहाँ पर जाकर सेल जो है वो इनएक्टिवेट हो जाता है ओके बाकी सारे आंसर सही हैं तो आंसर फर्स्ट इज़ इनकरेक्ट तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर और आप अगर और भी ज़्यादा क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मैंने बुक के बारे में बताया है आप जाकर प्लीज़ एक बार बुक का वीडियो चेकआउट कीजिए और देखिए कि मैंने कौन कौन से बुक के बारे में बताया है वो बुक बहुत अच्छी है आप जा कर के देखिए उसको ख़रीदिए और उसको बनाइए क्योंकि प्रीवियस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं तो वो वीडियो जा कर के चेक कीजिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और उसे बनाइए उसका क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और ख़ुद से क्वेश्चन भी बना करके जैसे मैंने बनाया है प्रैक्टिस क्वेश्चन उस तरह आप भी जितने क्वेश्चन हो सकते हैं बनाइए और फिर कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे कहीं पे भी पूछ सकते हैं मैं आपका जवाब देने के लिए रेडी हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ओके बाय बाय खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा ठीक है ताकि मैं और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहूँ आपके लिए अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो प्लीज आप मुझे कमेंट में बताएं मैं कोशिश करूंगी उस टॉपिक को जल्द से जल्द आपके पास ले आने